push back to you. DJ utro masnad se, DJ utro kursi se, DJ utro masnad se, DJ utro kursi se. Niche utro kursi se, niche utro masnad se, niche utro kursi se. Hath upar! रहमान रहीम और गल सुनो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहायत मोहतरम जनाब इमरान खान साहेब जनाब उस्मान बुजदार साहेब काबले एहतराम कायदीन मैं आप सबको आज अटक की धरती पर खुश आमदेद कहता हूं। ये धरती शहीदों और गाजियों की धरती है और अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क की नजरियाती और ज्योग्राफाई सरहदों की महाफज है। और खान साहब जिस तरह आपने कई बार कहा कि अगर खुदा ना खास्ता अफवाज को नुकसान पहुंचेगा तो यह पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और आज मैं आपको यह भी बता दूं एक अन्ना यार गोशे ना करना माई डियर जुलम मुतवजो हो दे एक में डांट लो यार। खान साहब मैं आपको ये एक बात बता दूं कि अफवाज पाकिस्तान भी उस शख्स से मोहब्बत करते हैं जिसके अंदर मुहिब्बुल वतनी हो और दयानतदारी हो जो कि आपके अंदर है। खान साहब जब आप 2017 में अटक तशरीफ लाए थे तो मैंने आपको कहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को आने वाले इलेक्शन में रगड़ देंगे इंशाल्लाह। और 2018 में हमने पूरा रिजल्ट दिया। अब मैं आपको यकीन दिलाता हूं एक नहीं छह नहीं पूरी पीडीएम की 13 पार्टियां अगर एक मुश्तरका उम्मीदवार भी खड़ा करें तो इन सबको लेट के रगड़ देंगे इंशाल्लाह। खान साहब मैं आपको यह भी यकीन दिला दूं कि यह जिला बहुत बहुत जबरदस्त जोश और बलबले और गैरतमंद लोगों का जिला है। आप अगर ये समझे खंबे नहीं जीत सकते और ना ही जिनको नाई उतरा ना दे वो नहीं जीत सकते। वही लोग जीतेंगे जो मेरिट पे होंगे और इसका हल सिर्फ एक है मेरिट मेरिट और सिर्फ मेरिट। और मेरिट के साथ आपने जो रियासत मदीना का मिशन लिया हुआ है उसके तहत अच्छे दयानतदार मुखलिस और आला लोगों को इंशाल्लाह आगे लाना है। ये भी मैं आपको यकीन दिला दूं कि पूरे पूरे 4 साल हमें दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब कड़मास हो तो मुझे ज्यादा मजा आता है और जब कड़कमा हो तो उससे भी ज्यादा मजा आता है। हमने हर हाल में मुकाबला किया और आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह चट्टान की तरह खड़े रहे हैं और इंशाल्लाह ताला
आइंदा भी खड़े रहेंगे। मैं आपको ये भी वादा कर दूं खान साहब कि ये मेरी आदत नहीं कि मैं कच्छों के नीचे से निकलकर आगे बढ़ के ये टिकटॉक और सेल्फियां बना के बेचता रहूं या शहद की मक्खियों की तरह बनी गाला के आसपास भू भू करता रहूं, ये मेरी आदत में नहीं है। मैं जो बात भी करूंगा मैं मुनाफिक नहीं हूं, आपके सामने करूंगा, आपको सच्चाई और हालात के मुताबिक आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं इतने हालात खराब होने के बावजूद अनगिनत तड़े, अनगिनत ग्रुप दूसरे पार्टियों को छोड़कर हमारे साथ शामिल हुए और 3 MPA, एक चंगेज खान हजरों से, एक ब्रिगेडियर आसम साहब अटक से और हारून रमजान कानी से, ये भी हमारे साथ शामिल हुए। हमारे लिए कोई हालात बुरे नहीं थे, हमारे साथ हमने मुकाबला किया है। और मैं अभी ये भी आपको बताऊं कि अटक वाले आपके साथ इस्लामाबाद की कॉल के लिए इंतजार में है और इस अटक आपके साथ गज बज के और सच धज के आपके साथ है। आप खान के साथ गज बज के हैं, सारे खड़े होकर हाथ खड़ा करें ऊपर और बताएं खान साहब को सच धज के आपने जाना है। जब भी कॉल आए खान साहब की तो आपने भरपूर तरीके से हमसे शिरकत करनी है इंशाल्लाह। मैं आपको फिर वेलकम करता हूं, हम हर वक्त तैयार हैं और इंशाल्लाह ताला आपके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह।